चले थे 26 तरीक न भी दिल्ली में जाके जाना है। मैं उदू पहला एक हफ्ता अपने सारे सरगर्म रखने की एक मीटिंग करी थी दिन रात ही। तो तड़के जब मैं मीटिंग समेटी तो मेरे वर्कर ने मेरे से एक सवाल करया थी कि भी प्रधान जी जो सरकार सारे हेले हार गई उदू बाद की करूँ। मैं उन्होंने एक कहा जी जो सरकार सारे हेले हार गई इन्होंने RRS का 25,000 जो कह दिए कारकुन तैयार किया उन्होंने गुंडे भी कहते सारी ट्रेन गए उन्हें अपने मतलब हमला कर लिया। 26 तो बाद RRS के गुंडे ने साढ़े हमले करने टकैन तो उत्थे जाके वो बार्डर से जाके हमला किया। वो तो चलो टकैन साहब तकड़े लीडर थे साढ़े समझदार लीडर थी तो पूरा जच गए तो खड़ गए अंदोलन बद गया। फिर उन्होंने हमला साढ़े राजस्थान के उत्ते 1,000 मुंडा गहा गया जी बाह के पुलिस दिन वर्दियां पा के RRS ने साढ़े हमला किया। वो कल मगरले साढ़े लोग आ गए उन्होंने बचा लिया। वो तो हमले दिन दिहाड़े एक सत्त मूहरे पास स्टेज चल दिया संघू बार्डर तो वो साढ़े साथी अड्ड चला रहे हैं। उस समय मैं उत्थे हाँ दिन दिहाड़े इन्होंने RRS के गुंडे ने दिन दिहाड़े हमला किया। हूँ भी जोड़ा साढ़े आगू पर हमला किया है टकैन साहब से समझ लो भी RRS के गुंडे ने इन्हों का सरकार का पूरा हाथ है ये सानू डरा चाहते हैं ये सरकार को भुलेख है। मैं भी कहना चाहना तुम सानू नहीं डरा सकते असी अंदोलन चो पिछे नहीं हटा असी अपनिया जाना दुरबानियां दे देंगे। वो टकैन तो भी असं सारे लीडर मत के आए हैं जा असी जित के जावे जा साड़ियाँ टिकट बोलियां जाएगियां ना टकैन साहब साडा अगा बधू लीडर है ना वो डरे ना डरन वाला लीडर हैगा क्यों असी तो जे हजे पहली पीढ़ी अंदोलन लड़ रहे हैं। टकैन साहब की जे कहीए वो पिता ने सारे भारत के भारतीय किसान यूनियन खड़ी करी है जिसे असं भी चेले लाल रहे हैं। तो टकैन साहब उन्होंने जे कहिए चलन से आपका काम चला रहे हैं गे अजिंह गलों डर जाएंगे असं बिल्कुल नहीं डरता। असी मैं सारिया जथेबंदियों वालों आपकी जथेबंदी वालों साढ़े संयुक्त मोर्चे वालों टकैन उत्ते जो हमला होया भारत सरकार की कड़े शब्दों में निंदा कर दाँगा तो इदों बाद यह मूँह तोड़वा जवाब दें। हाँ एक जरूर मैं गल कहूँगा अंदोलन शांत रखन लोग अंदोलन हमेशा शांत कोई नहीं लीडर के हमले होंगे ही रहेंगे ने अंदोलन शांत रखना है मजारियों धरनों उन्होंने मूँह तोड़वा जवाब दें। होर कुछ बोलना चाहते हाँ जी प्रधान जी जो रात डकैत साहब से हमला किया राजस्थान के उसके बारे आपके की विचार ने। देखो ये मेरा ख्याल है भी मैं पहले ही कहता थी जो असी पंजाब के चले थे 26 तरीक न भी दिल्ली में जाके जाना है। मैं उदू पहला एक हफ्ता अपने सारे सरगर्म रखने की एक मीटिंग करी थी दिन रात ही। तो तड़के जब मैं मीटिंग समेटी तो मेरे वर्कर ने मेरे से एक सवाल करया थी कि भी प्रधान जी जो सरकार सारे हेले हार गई उदू बाद की करूँ। मैं उन्होंने एक कहा जी जो सरकार सारे हेले हार गई इन्होंने RRS का 25,000 जो कह दिए कारकुन तैयार किया उन्होंने गुंडे भी कहते सारी ट्रेन गए उन्हें अपने मतलब हमला कर लिया। 26 तो बाद RRS के गुंडे ने साढ़े हमले करने टकैन तो उत्थे जाके वो बार्डर से जाके हमला किया। वो तो चलो टकैन साहब तकड़े लीडर थे साढ़े समझदार लीडर थे तो पूरा जच गए तो खड़ गए अंदोलन बद गया। फिर उन्होंने हमला साढ़े राजस्थान के उत्ते 1,000 मुंडा गहा गया जी बाह के पुलिस दिन वर्दियां पा के RRS ने साढ़े हमला किया। वो कल मगरले साढ़े लोग आ गए उन्होंने बचा लिया। वो तो हमले दिन दिहाड़े एक सत्त मूहरे पास स्टेज चल दिया संघू बार्डर तो वो साढ़े साथी अड्ड चला रहे हैं। उस समय मैं उत्थे हाँ दिन दिहाड़े इन्होंने RRS के गुंडे ने दिन दिहाड़े हमला किया। हूँ भी जोड़ा साढ़े आगू पर हमला किया है टकैन साहब से समझ लो भी RRS के गुंडे ने इन्हों का सरकार का पूरा हाथ है ये सानू डरा चाहते हैं ये सरकार को भुलेख है। मैं भी कहना चाहना तुम सानू नहीं डरा सकते असी अंदोलन चो पिछे नहीं हटा असी अपनिया जाना दुरबानियां दे देंगे। वो टकैन तो भी असं सारे लीडर मत के आए हैं जा असी जित के जावे जा साड़ियाँ टिकट बोलियां जाएगियां ना टकैन साहब साडा अगा बधू लीडर है ना वो डरे ना डरन वाला लीडर हैगा क्यों असी तो जे हजे पहली पीढ़ी अंदोलन लड़ रहे हैं। टकैन साहब की जे कहिए वो पिता ने सारे भारत के भारतीय किसान यूनियन खड़ी करी है जिसे असं भी चेले लाल रहे हैं। तो टकैन साहब उन्होंने जे कहिए चलन से आपका काम चला रहे हैं गे अजिंह गलों डर जाएंगे असं बिल्कुल नहीं डरता। असी मैं सारिया जथेबंदियों वालों आपकी जथेबंदी वालों साढ़े संयुक्त मोर्चे वालों टकैन उत्ते जो हमला होया भारत सरकार की कड़े शब्दों में निंदा कर दाँगा तो इदों बाद यह मूँह तोड़वा जवाब दें। हाँ एक जरूर मैं गल कहूँगा
अंदोलन शांत रखन लोग अंदोलन हमेशा शांत कोई नहीं लीडर के हमले होंगे ही रहेंगे ने अंदोलन शांत रखना है मजारियां नाल धरनियां नाल उन्होंने मूँह तोड़ मांग जवाब होर कुछ बोलना चाहते हो। हाँ जी प्रधान जी जो रात डकैत साहब ते हमला किया राजस्थान दे उहदे बारे आपके की विचार ने। देखो ये मेरा ख्याल है भी मैं पहले ही कहता सीगा जदों असीं पंजाब दे विचों चले थी 26 तरीक नूं भी दिल्ली नूं जाके जाना है मैं उदों पहला एक हफ्ता अपने सारे सरगर्म रखने की एक मीटिंग करी थी दिन ते रात तो तड़के जो मैं मीटिंग समेटी तो मेरे वर्करां ने मेरे से एक सवाल करिया सी ते भी प्रधान जी जो सरकार सारे हीले हार गई उदू बाद की करूँ मैं उन्होंने एको कहा जी जो सरकार सारे हीले हार गई इन्हों के आर आर एस का 25,000 जे कह दिए कारकुन तैयार किया उन्होंने गुंडे भी कह सारी ट्रेनिंग है उन्हें अपने मतलब हमला करना 26 तो बाद आर आर एस के गुंडे ने साढ़े से हमले करने टकैत उत्थे जाके उसके बार्डर से जाके हमला किया वो तो चलो टकैत साहब तकड़े लीडर थे साढ़े समझदार लीडर थे तो पूरा जच गए तो खड़ गए बढ़ गया फिर उन्होंने हमला साढ़े राजस्थान के उत्ते 1,000 मुंडा गहा गया जी बाह के पुलिस दिया वर्दियां पा के आर आर एस ने साढ़े से हमला किया कल मगरले साढ़े लोग आ गए उन्होंने बचा लिया वो तो हमला किया दिन दिहाड़े एक सत्त मूहरे पास स्टेज चलते संघू बार्डर तो वो साढ़े साथी अड्ड चला रहे हैं उस समय मैं उत्थे हाँ दिन दिहाड़े इन्हों आर एस के गुंडे ने दिन दिहाड़े हमला किया हूँ भी जोड़ा साढ़े आगू पर हमला किया है टकैत साहब से समझ लो भी आर आर एस के गुंडे ने इन्हों का सरकार का पूरा हथ है यू डरा चाहते हैं ये सरकार को भुलेख है मैं भी कहना चाहना तुम सू नहीं डरा सकते असी अंदोलन चो पिछे नहीं हटा असी आप जाना दुरबानियां दे देंगे वो टकैत तो भी असं सारे लीडर मत के आए हैं जा असी जित के जावे जाडिया डिट बोडिया जाएगियाँ ना टकैत साहब साडा अगाबद्धू लीडर है ना डरे ना डरन वाला लीडर है क्यों असी तो जे हजे पहली पीढ़ी अंदोलन लड़ रहे हैं टकैत साहब की जे कही पिता ने सारे भारत के भारतीय किसान यूनियन खड़ी करी है जिसे असं भी चेले नाल रहे हैं तो टकैत साहब उन्होंने जे कही चलन से आपका काम चला रहे हैं गे यह गलों डर जाएंगे असं बिल्कुल नहीं डरना असी मैं सारिया जथेबंदियों वालों आपकी जथेबंदी वालों साढ़े संयुक्त मोर्चे वालों टकैत उत्ते जो हमला होया भारत सरकार की कड़े शब्दों में निंदा कर दाँगा तो इदों बाद यह मूँह तोड़ मैं जवाब दें हाँ एक जरूर मैं गल कहूँगा अंदोलन शांत रखन लोग अंदोलन हमेशा शांत कोई नहीं लीडर के हमले होंगे ही रहेंगे ने अंदोलन शांत रखना है मजारियां नाल धरनियां नाल उन्होंने मूँह तोड़ मैं जवाब दें होर कुछ बोलना चाहते हो। हाँ जी प्रधान जी जो रात डकैत साहब से हमला किया राजस्थान के उहदे बारे आपके की विचार ने। देखो ये मेरा ख्याल है भी मैं पहले ही कहता सीगा जदों असीं पंजाब दे विचों चले थी 26 तरीक नूं भी दिल्ली नूं जाके जाना है मैं उदों पहला एक हफ्ता अपने सारे सरगर्म रखने की एक मीटिंग करी थी दिन ते रात तो तड़के जो मैं मीटिंग समेटी तो मेरे वर्करां ने मेरे से एक सवाल करिया सी ते भी प्रधान जी जो सरकार सारे हीले हार गई उदों बाद की करूँ मैं उन्होंने एको कहा जी जो सरकार सारे हीले हार गई इन्हों के आर आर एस का 25,000 जे कह दिए कारकुन तैयार किया उन्होंने गुंडे भी कहते सारी ट्रेनिंग है उन्हें अपने मतलब हमला करना 26 तो बाद आर आर एस के गुंडे ने साढ़े से हमले करने टकैत उत्थे जाके वो बार्डर से जाके हमला किया वो तो चलो टकैत साहब तकड़े लीडर थे साढ़े समझदार लीडर थे तो पूरा जच गए तो खड़ गए बढ़ गया फिर उन्होंने हमला साढ़े राजस्थान के उत्ते 1,000 मुंडा गहा गया जी बाह के पुलिस दिया वर्दियां पा के आर आर एस ने साढ़े से हमला किया कल मगरले साढ़े लोग आ गए उन्होंने बचा लिया वो तो हमला किया दिन दिहाड़े एक सत्त पहली पीढ़ी अंदोलन लड़ रहे हैं टकैत साहब की जे कही पिता ने सारे भारत के भारतीय किसान यूनियन खड़ी करी है जिसे असं भी चेले नाल रहे हैं तो टकैत साहब उन्होंने जे कही चलन से आपका काम चला रहे हैं गे यही गलों डर जाएंगे असं बिल्कुल नहीं डरना असी मैं सारिया जथेबंदियों वालों आपकी जथेबंदी वालों साढ़े संयुक्त मोर्चे वालों टकैत उत्ते जो हमला होया भारत सरकार की कड़े शब्दों में निंदा कर दाँगा तो इदों बाद यह मूँह तोड़ मैं जवाब दें हाँ एक जरूर मैं गल कहूँगा अंदोलन शांत रखन लोग अंदोलन हमेशा शांत कोई नहीं लीडर के हमले होंगे ही रहेंगे ने अंदोलन शांत रखना है मजारियां नाल धरनियां नाल उन्होंने मूँह तोड़ मैं जवाब दें होर कुछ बोलना चाहते हो।